यह इस जगह का क्या नाम है? लिलोरी स्थान। लिलोरी स्थान, ये कहाँ पर मौजूद है? ये कतरास में धनवाद। धनवाद से कितने दूरी है? 30 किलोमीटर की दूरी है। बड़ा चुंदी है, एगो सिंदूर है, एगो नारियल है, एगो तियोला पैकेट है, एगो ग्यारह रुपया वाला। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मौज मस्ती ब्लॉगर। एक बार फिर हूँ मैं आपके साथ, आपका दोस्त शशि समीर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग धनबाद के एक जाने माने, एक वन ऑफ द फेमस टेंपल में हम लोग मौजूद हैं। और इस टेंपल का नाम क्या है बाबा, बता सकते हैं? कंडवासिनी मंदिर। 700 साल पुरानी ये मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा मान्यता माना जाता है कि यहाँ जो भी ये लोग आते हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बांधे जाते हैं, और ये बांध कर अपनी मन्नत को वो लोग यहाँ जब पूरा हो जाते हैं तो वो नदी में जाकर धारा प्रवाह करवा देते हैं। तो ये मंदिर ओवरऑल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये मंदिर नज़र आता है। ये आध्यात्मिक रूप से और आस्था के नाम पर भी बहुत दूर दूर से लोग इसको दर्शन के लिए आते हैं। ये दुर्लभ है मंदिर, और धनबाद में कतरास की जगह पर ये मौजूद है। और आप भी आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, और आपके जो भी आप मांगना चाहते हैं इस मंदिर में आकर आप मांग सकते हैं। और आपको इस मंदिर का ओवरऑल मैं व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मंदिर नज़र आता है, आप भी देखिए। कितने साल पुराना है बाबा? 700 साल पुराना। मान्यता क्या है यहाँ की? मान्यता यहाँ का जो कोई भी मन्नत मांगता है उसको मन्नत पूरा होता है। और मंदिर का क्या नाम हो गया? ये लीलकंठ वासिनी। तो ये मंदिर किसके द्वारा पहले बनाया गया था? ये यहाँ का राजा। ये सब जो बांधा जाता है ये बता ये सकते हैं? आदमी मन्नत पूरा करने के लिए बांधा जाता है ये सारे चीज। हाँ। फिर पूरा होने के बाद खोल करके कोई भी नदी में प्रवाह कर गया था। 4-6 का 25 है, 6-8 का आपका 50 है, ये 4 साइज का 100 रुपया। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ फोटोग्राफी का भी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध रहती है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ फोटोग्राफर्स मौजूद रहते हैं, और आपके इस लम्हे को, इस पल को खास बनाने के लिए यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी रखते हैं। जैसा कि मैं इनसे बात कर रहा था कि हर तरह के साइजेस यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ बकरा का बलि होता है 12 महीना रोज। अब बलि के पीछे क्या है यहाँ है? मतलब माँ भी आया है बलि से आया, माँ तो था, माँ भी बलि से यहाँ आई है। बलि से ही आया राजा का। राजा कौन से थे यहाँ? यहाँ का राजा थे गंगा नारायण सिंह। जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप तक हमेशा एक अच्छी वीडियो पहुंच सके, और उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, मेरे व्यूअर्स हर तरह की चीज़ मेरे चैनल पर देख पाएँ, उनके लिए मेरा चैनल एक रिसोर्स का साधन हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।